फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लिखे आया हूँ इन एमएस एक्सेल हाउ टू कंबाइन टू नेम्स लाइक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये कैसे कंबाइन करेंगे? इफ यू वांट यू कैन कंबाइन फर्स्ट नेम एंड सेल्स एज वेल। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे डेटा चाहिए। सो ये विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटेनेट फंक्शन कैसे करेंगे एंड व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है हमें डेट्स के लिए, ये हम दो फंक्शन यहाँ पे एक्सेल में देखने वाले। तो आइए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो दोस्तों वेलकम बैक। ये कुछ डेटा है मेरे पास, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ डेटा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सिंपल, पहले हम शुरू करेंगे कॉन्कैटेनेट फंक्शन से विच आई हैव शोड यू हियर। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिया है एंड सेल्स को कंबाइन किया है। अब डिपेंड्स आपका रिक्वायरमेंट कैसे है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला एक बार समझा दूँ एग्जैक्टली क्या है उसका। कॉन्कैटिनेट मीन्स क्या होता है, दो चीज़ों को हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेट डबल क्लिक करा मैंने, यहाँ पे क्लिक करा एंड देन कॉमा देन सेल्स, एंटर पे क्लिक। सेम वे में आप कॉन्कैटिनेट यहाँ से भी कर सकते हो, इज इक्वल टू प्रेस करना है आपको, देन कॉन्कैटिनेट देन नेम पे क्लिक, जो टेक्स्ट टू होगा वहाँ पे आपको सेल्स पे क्लिक करना है। रिजल्ट आपको यहीं पे शो होगा, ओके पे क्लिक करना, जस्ट इसे ड्रैग कर लो। सिंपल, दिस इज द रिजल्ट जो आपको आ जाएगा। अब मुझे दिखाना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे कंबाइन करना है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर डेटा मेरे पास छोटा है इसलिए मेरे पास यू नो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सपोज अगर आपके पास डेटा हो 5000-7000 और, ठीक है, तो वो यू नो मैनुअली करना टीडियस टास्क होगा। सो इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजी वे में कर सको। कॉन्कैटिनेट अगेन इसे क्लिक करना है, कॉमा देना है एंड देन लास्ट नेम को सिलेक्ट करके इसे क्लोज। दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो दो चीज़ों में मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो कुछ आपका फर्स्ट नेम होगा स्पेस देन आपका लास्ट नेम होगा, राइट। बट यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला यूज करना है ताकि थोड़ा सा खाली डिफरेंस रहेगा इसमें। क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट ऐड करने के बाद इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ऐड करने के बाद मुझे फर्स्ट नेम क्लिक करना है, देन कॉमा पे क्लिक, डबल इनवर्टेड कॉमा ये देने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे स्पेस देना है दोनों के बीच में, कॉमा अगेन एंड लास्ट नेम पे क्लिक, कॉलम क्लोज एंड एंटर पे क्लिक। सिंपल वे में आपको इजी वे में स्पेस आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, सिंपल दोस्तों, सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। अब हम देखते हैं टेक्स्ट वाला फंक्शन, राइट, जो यहाँ पे आपको डे शो करेगा, संडे मंडे व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो वो जो होगा यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है टेक्स्ट, क्योंकि आपको टेक्स्ट में डिस्प्ले करना है वो, राइट। डेट्स पे क्लिक, कॉमा दो, डबल इनवर्टेड कॉमा, डी 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 एंड देन एंटर पे क्लिक, इसे ड्रैग कर लो, ये कुछ आपको ऐसे शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप डी डी अगर चेंज भी कर देते हो यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे आपको शो करेगा। ठीक है, चार बार डी दू में तो क्या आएगा हम देखेंगे। ठीक है, ट्यूसडे ये फुल डे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे तीन बार दिखा रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है, 2D 4D एंड देन 3D। उम्मीद है दोस्तों आपका ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसका यूज आपके हिसाब से कर लीजिएगा आप जहाँ पे भी वर्क करते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, दिस शेयर बटन पे क्लिक करिए। वॉच MS Excel Learning Videos at Discover Talent 143. Now we are available on Google as well.